नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता दुवंशी। ब्रिटेन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है चाकसू से, जहां पर बाबा अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण आज होना है। सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वही इसके साथ ही सुबह 11 बजे के बाद सीएम जयपुर से रवाना होंगे इस कार्यक्रम के लिए। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा भी चाकसू के लिए रवाना होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चाकसू में आज एक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। वहां पर बाबा अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करना है और इस कार्यक्रम को लेकर के आज वो 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुबह 11 बजे के बाद सीएम जयपुर से रवाना होंगे और इसके साथ ही अगर बात की जाए कौन कौन और लोग मौजूद रहेंगे, तो वहां पर सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर चाकसू से, जहां पर बाबा अंबेडकर की मूर्ति का आज अनावरण होना है और इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो 11 बजे के बाद जयपुर से रवाना हो जाएंगे। और वहीं सचिन पायलट और इसके साथ ही अगर बात की जाए गोविंद सिंह डोटासरा की, तो वो भी चाकसू के लिए रवाना हो जाएंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिनेश डांगी का, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो इसको लेकर के क्या कुछ फिलहाल में अपडेट सामने आई है? देखिए, जयपुर के पास एक कस्बा है चाकसू, वहां पर एक महादलित सम्मेलन होने जा रहा है और वहां के कांग्रेस विधायक प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में यह आयोजन हो रहा है। करीब 12 बजे वहां पर दावा किया जा रहा है राजस्थान की सबसे बड़ी आदमकद अंबेडकर की जो मूर्ति है वो लगाई गई है, उसका अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों किया जाएगा। तो 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से रवाना होंगे और 20-25 किलोमीटर का फासला है जयपुर से। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, पूर्व डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और अंबेडकर मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के बहाने जाहिर सी बात है क्योंकि रिजर्वर सीट है और ऐसी वर्ग से आते हैं वेद प्रकाश सोलंकी, तो एक बड़ा मैसेज इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस देने का संदेश करेगी और कांग्रेस के लिए अच्छी बात रहेगी कि पायलट और अशोक गहलोत भी मंच शेयर करेंगे क्योंकि चुनावी सभाओं में दोनों नेता साथ नजर आते थे, लेकिन अब अन्य कार्यक्रमों में भी ये दिग्गज नेता इस तरह आपस में मंच शेयर करेंगे, तो कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि सुखद तस्वीर, सब ऑल इज वेल का मैसेज भी प्रोग्राम के बहाने हो जाएगा। जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आई है? जी बिल्कुल, पूर्व डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उनका भी जाने का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसके अलावा पार्टी के विधायक, नेता और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं दिनेश, अगर बात की जाए सीएम अशोक गहलोत की, तो क्या इस कार्यक्रम के बाद चाकसू में और कोई कार्यक्रम भी है जिनमें वो शिरकत कर सकते हैं या फिर जनसभा को संबोधित करते हैं कर सकते हैं, इस तरीके के कोई कार्यक्रम लाइनअप किए गए हैं क्या आज के दिन? देखिए, आज का मतलब एक ही कार्यक्रम प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।